नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक होना आम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट दीपक कुमार के साथ। टोहाना शहर पुलिस द्वारा स्कूलों में साइबर जागरूकता दिवस के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से DSP बीरम सिंह व थाना प्रभारी सुरेंद्र कंबोज ने शिरकत की। इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल आशा राम ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रभारी DSP बीरम सिंह ने बच्चों को जागरूक करते हुए बताया कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा बेहद ज़रूरी है तथा इसके साथ साथ जागरूक होना भी बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इसके लिए हमें विभिन्न तरह की सावधानी बरतनी होगी तथा इसमें सोशल मीडिया साइटों से निजी जानकारी का सीमित उपयोग करें, अपने वित्तीय खातों से संबंधित गतिविधि की निगरानी के नियमित रूप से जांच पड़ताल करते रहें और केवल विश्वसनीय साइटों का ही प्रयोग करें, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय सावधान हमेशा रहें। अपना पिन नंबर कभी भी किसी को न दें और न ही किसी को बताएं। पिन किसी के सामने दर्ज न करें, अनाधिकृत उपयोग हो सकता है तथा इन सब को रोकने के लिए अपने सभी ऑनलाइन खातों और सोशल नेटवर्किंग खातों की जांच करते रहें। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी जानकारी का दुरुपयोग कर रहा है तो तुरंत कार्रवाई करें और ऑनलाइन भेजे गए सभी दस्तावेजों के पासवर्ड लगा करके उन्हें सुरक्षित रखें। अनजान व्यक्तियों को सोशल साइट पर अपना मित्र ना बनाएं तथा साइबर फ्रॉड की ऑनलाइन शिकायत अवश्य करें। इस दौरान SHO सुरेंद्र कंबोज ने कहा है कि साइबर क्राइम के हर समय हर व्यक्ति को सचेत रहना आवश्यक है। साइबर क्राइम के प्रति हर व्यक्ति को जागरूक होना भी बेहद आवश्यक है तथा कोई भी दिक्कत आने पर तुरंत सूचना नज़दीकी पुलिस थाना को दें ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के लड़कों और लड़कियों को कार्यक्रम के तहत युवाओं को सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप तथा आदि अन्य चीज़ों के बारे में सावधानी बरतने के लिए बताया गया। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि निजी जानकारियां साझा न करने के लिए अब हमेशा पासवर्ड को बदलते रहें। अब देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। हाँ जी सर, बताएंगे कि जो आज आप स्कूल में आए क्या कार्यक्रम किया? देखिए, आज विश्व में साइबर अपराध जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसी श्रृंखला में हमारे माननीय DGP साहब हरियाणा के आदेश से और पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहाबाद के अनुसार आज सब डिवीजन लेवल पर जो है वो स्कूलों में साइबर क्राइम से संबंधित जो है वो जानकारी अवेयरनेस जो है वो कैंप आज चलाया हुआ है। इसलिए आज राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में जो है आज यहाँ टोहाना में ये कार्यक्रम किया गया और बच्चों को इसकी जानकारी दी गई ताकि बच्चे जो है हमारे भविष्य हैं और आगे अच्छे नागरिक बनना है तो उनको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम टोहाना के सरकारी स्कूल में SHO साहब और मैं आए थे और यहाँ बच्चों को जानकारी दी गई है। क्या सर, इससे अलावा भी किसी स्कूल में? हाँ, आज SHO साहब जो है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोहाना में भी गए थे और वहाँ भी कार्यक्रम किया गया। क्या कुछ सारे बच्चों को सुविधाएं जैसे बच्चों को जो है वो ATM के बारे में और फेसबुक के, व्हाट्सएप के बारे में जो है किस प्रकार अपराध होता है, किस प्रकार जो है वो क्लिक करने से कोई भी लिंक आता है और अपनी जो फेसबुक पे किसी की फ्रेंड अननोन की एक्सेप्ट ना करें और ना ही किसी को भेजें, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। आमजन को क्या संदेश देंगे? आमजन को यही कहेंगे कि आजकल साइबर क्राइम जो है वो बहुत बढ़ रहा है, उससे आर्थिक अपराध जो है वो बढ़ रहे हैं। इसलिए जो अपने टेक्निकल माध्यम हैं, जो मोबाइल है, उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना हो आपका और आपका अकाउंट से पैसा जो है वो ना चला जाए, इसलिए इसका प्रयोग विशेष ध्यान से करें। अगर ऐसी कॉल कोई ऐसा मैसेज आता है तो ऐसे मैसेज और कॉल पर लोगों को क्या संदेश दें, क्या करना चाहिए? इस प्रकार से अननोन जो कॉल आती हैं उनको अटेंड ना करें और फ्री फंड में कोई भी लॉटरी जो है कोई नहीं देता है और इस प्रकार के झांसे में ना आए। क्या लगता है सर, जो इसके मामले कुछ ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं? हाँ, इसके लिए जो है वो ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं, इसीलिए हिसार में एक साइबर थाना भी जो है अभी उच्च अधिकारियों द्वारा जो है उसका उद्घाटन किया गया है और
आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो जो हैकर हैं या जो अपराधी हैं वो साइबर क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। सर फेसबुक का ज़्यादा रोल रहता है, फेसबुक को लेकर क्या कहेंगे लोग ज़्यादा? हम बात करें तो जैसे कि फेसबुक पे ऐसे मैसेज आते हैं, लोग जुड़ जाते हैं, कुछ ज़्यादा मिसयूज करते हैं उसके बारे में। देखिए, जब तक आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते पर्सनली तौर पर, जातिगत तौर पर आप नहीं जानते हैं, तो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट और किसी प्रकार